हेलो चिल्ड्रन, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आप ही में से एक स्टूडेंट कंचन जो 6th क्लास में पढ़ती हैं और गवर्नमेंट स्कूल बबियाल अंबाला से हैं, उनको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वीक डिक्लेयर किया गया है। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आप भी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वीक कैटेगरी में आ सकते हैं और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये वीडियोस देखने हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स बना के अपने टीचर्स को सबमिट करने हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 12 विद्युत तथा परिपथ के अभ्यास के प्रश्न। और हमारा 5वां प्रश्न है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत स्विच को जो हम यूज करते हैं उसका पर्पस क्या है एप्लायंसेस में यूज करने का, और हमें कुछ एप्लायंसेस के कुछ उपकरणों के नाम बताने हैं जिनमें स्विच जो है उनके अंदर ही लगे होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट को। बच्चों, मैंने जब एक एक्टिविटी वीडियो आपको दिखाई थी तो उसमें स्पेसिफिकली स्विच का हमने बनाया था, कैसे बनते हैं और उनका यूज क्या है। स्विच एक बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के और कनेक्ट करने के काम आती है। तो उसका पर्पस क्या है कि जब हमें किसी एप्लायंस को ऑफ करना हो तो हम ऑफ कर सके, ऑन करना हो तो ऑन कर सके। सेकेंड पार्ट, कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए। आपने अपने घरों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे एप्लायंसेस ऐसे हैं जिनमें खुद में स्विच लगे होते हैं। जैसे कि अगर हम छत के पंखे और टेबल फैन में कंपेयर करें तो जो हमारा सीलिंग फैन है उसमें स्विच नहीं लगा होता फैन के अंदर, वहां स्विच हमारा स्विच बोर्ड पे होता है। लेकिन जो टेबल फैन है उसमें जो स्विच होता है वो उसके साथ अटैच होता है। इसी तरह से हमारे घर में जो टीवी होता है उसमें स्विच लगा होता है। क्या गीजर में स्विच लगा होता है? नहीं ना। लेकिन रेडियो में स्विच लगा होता है। जो आपकी मम्मी किचन में मिक्सर यूज करती हैं उसमें भी स्विच लगा होता है। तो हमने वही कुछ नाम लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं आंसर को। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ने अथवा तोड़ने में काम आता है। इसके उपयोग से हम किसी भी उपकरण को आसानी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, टीवी, टेबल फैन, रेडियो, मिक्सी आदि में स्विच अंदर ही निर्मित होते हैं। और हमारा 6वां प्रश्न है, चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबर लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा? बच्चों, ये है आपका चित्र 12.14। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है कि ये अगर सुरक्षा पिन यहां से हटा दें और इसकी जगह अगर रबर लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा, तो क्या बल्ब लाइट अप होगा? बच्चों, ये है चित्र 12.14 जिसमें सुरक्षा पिन लगा हुआ है और ये सुरक्षा पिन इस सर्किट की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑन और ऑफ पोजीशन को। अभी ये ऑफ पोजीशन में है, इसको ऑन करते हैं। ये देखिए बल्ब जल उठा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि अगर हम इस सुरक्षा पिन को हटा दें और इसकी जगह एक रबर बैंड लगा दें तो क्या ये बल्ब दीप्तमान होगा? आइए करके देखते हैं। हम सुरक्षा पिन को हटा रहे हैं और बल्ब को जहां सुरक्षा पिन था वहां 2 किलो के बीच लगा दिया है हमने, तो क्या बल्ब लाइट अप हुआ? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि हम आंसर में लिखेंगे कि अगर हम सुरक्षा पिन की जगह रबर बैंड लगाते हैं तो हमारा बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रबर बैंड है वो एक विद्युत रोधक है और विद्युत रोधक जो पदार्थ होते हैं वो अपने पास से विद्युत को गुजरने नहीं देते, जिसके कारण जो परिपथ है वो अधूरा रह जाता है। अगर हम दोबारा से इसको हटा दें और इसकी जगह पर सुरक्षा पिन वापस रख दें तो हमारा बल्ब जल उठता है। नहीं, क्योंकि रबर विद्युत रोधक है, यह विद्युत को अपने से गुजरने नहीं देगा।
जिसके कारण बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस के साथ। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।